ब्लू आईज़ नीली आंखों वाले के सारे भाई बहन होते हैं। बारिश के सीज़न में चाय पकोड़े और टोस्ट मिल जाए तो दिन ही बन जाते, एकदम वाह 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 वाला सीन हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव हम सबको पसंद है। तो व्हाट्सअप यूट्यूब फैम, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं फैक्ट विन मिनट आपका दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली बार की तरह इस वीडियो को भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। जो चीफ ट्रांसलेटर है यूरोपियन पार्लियामेंट का, वो 32 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जो खुद में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है 3-4 लैंग्वेज सीखने में। लेकिन आप लोगों को और भी प्राउड होगा सुन के कि इन 32 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज का नाम है बंगाली। और आप लोगों को इस पर भी विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान ये काम 2002 से कर रहे हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, क्या नीली आंखों वाले सारे भाई बहन होती है? डैनिश रिसर्चर है एक, जिसने इसके ऊपर एक रिसर्च की। उन्होंने टर्की, इंडिया, जॉर्डन और स्कैंडिनेविया में से कुछ लोगों को लिया और उनका डीएनए टेस्ट किया, और उसने पाया कि इन सबके ब्लू आइज़ वाले डीएनए में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो उन्होंने बोला कि सारे एक ही इंसिस्टर से पैदा हुए हैं, जिसको हम फाउंडर भी कह सकते हैं। और उसने ये भी पाया कि ये 6,000 से 10,000 साल पहले पैदा हुआ था इंसिस्टर। काफ़ी शॉकिंग है, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ड्राइविंग हम सबको अच्छी लगती है, काफ़ी मज़ेदार होती है, फैमिली के साथ इंजॉय करते जाते हैं, अनलेस और अनटिल रेड लाइट आ जाए, सिग्नल आ जाए, आप सारे भी इस पर एग्री करोगे। लेकिन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल ने, भाई कितना बड़ा नाम है, एनीवेज इसने एक चीज़ निकाली है कि ऑन एन एवरेज इंसान 75 सेकेंड सिग्नल पर लगाते हैं, और जो कि 20% होता है उसकी ड्राइव का, आई एग्री। और एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में, जो 60-70 ईयर्स की लाइफ होती है, ऑन एन एवरेज 6 महीने सिग्नल पे वेट करते रहते हैं। वाओ, मतलब कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4, बारिश के सीज़न में चाय पकोड़े और टोस्ट मिल जाए तो भाई दिन बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो लाइटनिंग होती है बारिश के सीज़न में, वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। उसमें 5 बिलियन जूल्स की एनर्जी होती है, जो कि 1 सेकंड में 1,00,000 से ज़्यादा टोस्ट को बेक कर देगा। ओ माय गॉड, मतलब 1,00,000 लोगों की पार्टी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोगों को पता है कि एक फोबिया होता है, चीरोफोबिया। उस फोबिया में इंसान स्माइल नहीं करता, सबसे पहले इसका मतलब जान लेती है। फोबिया का मतलब होता है डर, ही आप सबको पता है। लेकिन चीरो क्या होता है? चीरो का मतलब होता है रीजॉइस। इस फोबिया में होता यह है कि लोग स्माइल नहीं करते, हंसते नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाते, गैदरिंग में नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो काफ़ी चुप रहते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं लोग। ऐसा डॉक्टर्स मानते हैं कि ये लोग अपने आप को पिछले ट्रोमा से बाहर नहीं निकाल पाए अब तक, ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में ही फंसे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑन द अदर साइड कुछ लोग डॉक्टर ये भी मानते हैं कि ये लोग समझते हैं कि इनके दांत काफ़ी पीले है, मतलब मेरे को रीज़न काफ़ी अजीब लगा, मतलब दांत पीले तो हंसना नहीं है, मतलब आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 1992 में एक कार्गो शिप हांगकॉन्ग से USA जा रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेट थे जिसमें बच्चों के टॉयज थे, जैसे वो डक होती है ना, जो बाथटब में डाल के बेबीज़ के लिए खेलते, वो तो पैसिफिक ओशन से जा रही थी, तो एक क्रेट ओशन में गिर गई जिसमें 28,000 डक थी, और वो अब तक नहीं मिली। कुछ अटलांटिक ओशन में पाई गई, कुछ आर्टिक आइस में फ्रोजन पाई गई, कुछ ऑस्ट्रेलिया में और कुछ अलास्का में। अब आप लोग मेरे को बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर प्लीज़ कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब द चैनल।